नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 13, आप सबने देखा होगा गुड्स यूज बाय प्रोप्राइटर। ये हमने जर्नल एंट्री में भी सीखा था कि गुड्स यूज, और मैंने बताया था ये एंट्री करना आपके एग्जाम में भी ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। तो गुड्स यूज बाय प्रोप्राइटर की जर्नल एंट्री हम क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं यहाँ पे आपका प्रोप्राइटर कर रहा है तो ड्रॉइंग बनेगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, यानी दो जगह इंपैक्ट आ रहा है। तो गुड्स यूज बाय प्रोप्राइटर के केस में क्या होने वाला है, जब कभी भी गुड्स यूज करेगा प्रोप्राइटर तो ऐसे सिचुएशन में एक तो चला जाएगा हमारा, क्योंकि गुड्स यूज किया है तो परचेज कम होगा, तो एक चले जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, एक चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ में आ रहा है, गुड्स जैसे ही यूज करेंगे तो हमारा परचेज पे सीधा फर्क पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, ये लेस हो जाएगा, कहां से, फ्रॉम परचेज। और सेकंड एंट्री मैं बात करूं तो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस, लेस फ्रॉम लेकिन अगर आपको गुड्स का दोनों वैल्यू दे तो, अब गुड्स का जो मार्केट में ले गया प्रोप्राइटर, बेचता 12 रुपए का और खरीदा था 10 का, मैं दोनों वैल्यू दे रहा हूं, जो सामान मैं घर लेके जा रहा हूं मैंने क्या करा, कॉस्ट जो है वो उसका था 10, लेकिन सेलिंग प्राइस मैंने दिया आपको 12 रुपए। तो अब हम कौन से एंट्री करेंगे, दोनों में से कम या कॉस्ट, इसमें कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। कम ज्यादा वाला किसमें लगता है हमारा, स्टॉक वाले में, स्टॉक को रिकॉर्ड करने में, बाकी हर जगह पे क्या लगता है, कॉस्ट, वो जनरल एंट्री के टाइम पे भी हमने देखा था। तो इन दोनों में से जो कम होगा, क्या कोई डाउट इसमें, एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है ये, 13। अब एडजस्टमेंट नंबर 14 एक साथ ही नोट कर लेना, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल और चैरिटी, दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा है, इसलिए मैं इसको लेंथी नहीं करके एक ही एडजस्टमेंट में कंबाइन कर देता हूं। आप ध्यान देना यहां पे, अगेन जब कभी भी गुड्स यूज करेंगे तो सीधा इंपैक्ट पड़ने वाला है ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग में क्या होगा हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करने वाले हैं हम, लेस फ्रॉम परचेज, क्लियर। अब दूसरा हमारा चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, अब कैपिटल में नहीं जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस में किस साइड जाएगा भाई, डेबिट साइड, किस नाम से जाएगा, अगर हमारा फ्री सैंपल है तो एडवर्टीजमेंट के नाम से जाएगा, लेकिन अगर आपका चैरिटी है तो चैरिटी के नाम से जाएगा, ठीक है ना, पी एंड एल के डेबिट साइड में किस नाम से जाएगा डिपेंड करता है चैरिटी है या फिर फ्री सैंपल है, लेकिन दोनों ही कंडीशन के अंदर परचेज में से तो माइनस होगा, और वहां पे भी जो परचेज से माइनस करेंगे, अगर फ्री सैंपल है तो हम एडवर्टीजमेंट के नाम से माइनस कर देंगे, अगर चैरिटी तो हम चैरिटी के नाम से माइनस कर देंगे। तो ये एडजस्टमेंट नंबर था 13, ये एडजस्टमेंट नंबर हमारा 14। अब इन दोनों को एक साथ नोट करिए, इसमें कुछ ऐसा मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल सा एडजस्टमेंट है, इसको नोट करिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए बोर्ड पे नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मैनेजर कमीशन। सबसे पहले मैनेजर कमीशन होता क्या है और ये हम देते क्यों है मैनेजर को कमीशन, पहले तो ये पता चले, वो बिजनेस के लिए खर्चा है या इनकम है वो भी देखेंगे। तो अगर मैं मैनेजर कमीशन की बात करूं तो होता क्या है जनरली कि हमारे बहुत सारे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि दिल्ली के अंदर है लेकिन उसका ऑनर दिल्ली में नहीं है, उसका ऑनर या तो किसी और स्टेट में है या फिर वो इंडिया में ही नहीं है। यानी सिंपल मैं बताऊं तो मान लेते हैं एक मुंबई में बिजनेसमैन है और मुंबई से इसका नाम बहुत चला हुआ है और इनफैक्ट पूरे भारत में इसको जानते हैं, मुंबई में बिजनेस सेटअप है पूरा, जो इसका ऑनर है वो यहीं पे बैठता है
ऑनर यहीं बैठता है, कहां मुंबई में, लेकिन ही नीड कि इसकी दुकान जो है, शोरूम है, आउटलेट जो है, वो पूरे हमारे कहाँ होना चाहिए, पूरे इंडिया में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिग बाजार, बिग बाजार का जो ऑनर है वो मुंबई में रहता है, लेकिन दिल्ली में है ना बिग बाजार आपका, और अदर स्टेट में भी आपको मिल जाएगा बिग बाजार सेम ऐसे ही। तो एक दिल्ली के अंदर डिसाइड किया कि एक दिल्ली के अंदर भी हमारा एक दुकान होना चाहिए। तो मेरा कंसर्न ये है, क्या ऑनर के लिए पॉसिबल हो सेम टाइम पे दोनों जगह आ जाए, या तो मुंबई में रहेगा या तो दिल्ली में, एक ही दुकान को देख सकता है। वो ये कर सकता है कि उसको टाइमली विजिट यहां पे कर ले, मतलब महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, या वीकली, जैसे उसको टाइम मिले वो यहां आ सकता है, ये तो पॉसिबल है। तो ये क्या करता है, जो मुंबई का पर्सन है इसको पूरा सेटअप करता है। सेटअप का मतलब है पूरा अच्छे से बिजनेस को दुकान वगैरह दे के, किराए वगैरह सारा सामान अरेंज करके रख देता है। और एक यहां पे बोलता है कि भाई बहुत सारे यहां पे वर्कर हैं, इन वर्कर को क्या दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा इन वर्कर को सैलरी दिया जाएगा, लेकिन इन सारे वर्कर काम तभी करेंगे जब इसको हमेशा कोई ना कोई वॉच करने वाला हो, देखने वाला हो। तो इसने क्या करा, इसके दुकान में एक और वर्कर अपॉइंट किया जिसको नाम दिया जाता है सीनियर इन सब से, और इसको मैनेजर बोलते हैं, जो कि इसको मैनेज करता है। सपोज करो मुंबई वाले ने मैनेजर की सैलरी 1 लाख रुपए रखी पर मंथ की, हुआ क्या, जब तक मैनेजर इस दुकान में रहेगा तब तक काम कैसा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। जैसे ही मैनेजर घर पे चला जाएगा तो ये एम्प्लॉय फिर से ढिलाई कर देंगे, काम उस तरीके से नहीं करेंगे, और ये हर बार ही केस होगा। तो मैनेजर को देखने वाला कोई है क्या, कोई भी नहीं है मैनेजर को देखने वाला। तो मैनेजर क्या करता है, इसका आने का और जाने का इस बिजनेस से कोई टाइम टेबल ही नहीं है, सैलरी तो यहां ले रहा है लेकिन काम कहीं और भी करने लग गया एक पार्ट टाइम, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना कहां लगा रहा है, दूसरे काम पे लगा रहा है। उसको पता है भाई यहां से सैलरी तो आनी ही आनी है, कौन सा मालिक देखने आ रहा है, जब मालिक देखने आता था तो रिप्रेजेंट हो जाता था। तो बताओ अब ये वाला जो दिल्ली वाला ब्रांच है ये प्रॉफिट कमाएगा या प्रॉफिट नहीं कमाएगा, या लॉस में चला जाएगा, या बिजनेस बहुत ग्रोथ करेगा, क्या हो सकता है अगर ऐसा रहा तो? ऑब्वियसली लॉस में जाएगा। लॉस में जाने का रीजन क्या है, लॉस में जाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि उस बिजनेस के अंदर क्वालिटी खराब, ये रीजन नहीं है, उस बिजनेस पे वहां के वर्कर ने ध्यान नहीं दिया, बस एक यही मेजर रीजन मेरे से पूछो तो ये रीजन रहेगा। अब ये सोचता है यार दिल्ली के अंदर मेरा जाना पॉसिबल नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि ये पर्सन ना एक्टिवली यहां काम करे और ये सबसे काम करवाए। तो इसने एक उपाय सोचा, इसने बोला मैनेजर कोई बात नहीं लॉस में जा रहा है, आप जितना सेल्स करोगे या फिर आप जितना भी कंपनी का प्रॉफिट कमा के दोगे ना, उसमें हम आपको हिस्सेदार बना लेंगे। देखो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए तो है ही है, इसमें दो राय वाली बात नहीं है, साथ के साथ अगर आप 10 लाख रुपए बिजनेस को कमा के देते हो महीने का, तो 10 लाख का 10% हम आपको दे देंगे, सपोज करो, यानी 1 लाख। तो इसकी सैलरी कितनी हो गई, 2 लाख रुपए हो गई एक तरीके से, 1 लाख कमीशन के मिलेंगे और 1 लाख। अगर ये 20 लाख प्रॉफिट कमा के देगा तो इसकी सैलरी 2 लाख कमीशन, और 30 लाख कमा के देगा तो 4 लाख। अब सोचो ये मैनेजर क्या करेगा, इसको एक मैंने लालच दे दिया, अब ये मैनेजर चाहेगा कि इस दुकान से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। क्यों है ऐसा, क्योंकि इस प्रॉफिट में इसकी भी भागीदारी होगी। सोचेगा भाई 1 करोड़ की सेल हो जाए तो 10 लाख तो कमीशन ही आ जाएंगे, सैलरी तो छोड़ो पहले तो कमीशन ही है, इससे ये बहुत एक्टिव हो जाएगा। अब इसको बोलने की बार बार जरूरत ही नहीं है कि भाई काम कर लो, कहाँ हो नहीं हो, ये अपने आप सबको संभाल लेगा बाकी काम को छोड़ के। तो इसको जो कमीशन दिया जाता है, किस लिए कमीशन दिया जाता है, ताकि कंपनी किस में आ जाए, लेकिन कमीशन देने के बाद भी बार बार लॉस किए जा रहा है तो क्या इसको कमीशन मिलेगा, तो लॉस के केस में इसको कमीशन
नहीं मिलेगा। तो इसको बोलते हैं मैनेजर कमीशन। तो कभी भी ध्यान रखना, हमारे अब आज के बिजनेस में आपको सैलरी तो दिया जाता है, सैलरी के साथ साथ आप काम बड़े ही अच्छे से और अपना 100% एफर्ट लगा के काम करो, उसके लिए आपको इंसेंटिव दिया जाता है, या फिर कमीशन बोल लो उसे आप अलग से, या फिर उसे बोनस बोल लो। अलग अलग कंपनी ने अपने अलग अलग नाम से रखा हुआ है ताकि एम्प्लॉय क्या करे, ज्यादा से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करे। तो मैनेजर कमीशन बिजनेसमैन क्या कह सकता है, दो टर्म्स इससे डिसाइड कर सकता है मैनेजर कमीशन के। या तो हो सक बोल सकता है कि मैनेजर का कमीशन बिफोर चार्ज होगा, और या तो बिफोर चार्ज का मतलब क्या है कि अगर इसने नेट प्रॉफिट कमाया 10,000, तो इसी 10,000 पे, नेट प्रॉफिट पे इसी 10,000 पे आप कमीशन काट दो 10%, यानी 1,000। आफ्टर चार्ज में क्या बोला जाएगा, पहले इसमें से कमीशन माइनस करो, फिर हम परसेंटेज लगाएंगे, ये फर्क है। तो बिफोर चार्ज क्या होता है हमारा, दो तरीके से कमीशन बोला जा सकता है, या तो बोलेगा बिफोर चार्ज प्रॉफिट, बिफोर चार्ज मैनेजर कमीशन। बिफोर चार्ज में कमीशन निकालने का तरीका क्या है भाई, नेट प्रॉफिट तो निकालेंगे ही। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। मान लो, सपोज करो मैंने एक आपके सामने एक P&L बनाया, कमीशन हमेशा नेट प्रॉफिट पे होगा, GP पे मत देने ना आप, ग्रॉस प्रॉफिट पे कमीशन नहीं दिया जाएगा, हमेशा दिया जाएगा नेट प्रॉफिट पे। तो सपोज करो बाय साइड में GP है, GP है हमारा 10,000, और कोई खर्चा है नहीं, या फिर मैं GP 11,000 कर देता हूं, सैलरी है मेरा, सपोज करो सैलरी है मेरा 1,000, तो अब बताओ नेट प्रॉफिट यहां से निकाल पाएंगे इजीली, क्या रिजल्ट आएगा नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट आएगा मेरा 10,000। तो अब हमें नेट प्रॉफिट यहां पे नहीं लिखना, क्योंकि नेट प्रॉफिट से पहले यहां पे जो मैनेजर को हम कमीशन देंगे, तो वो भी तो मेरा खर्चा है, तो वो खर्चा भी तो यहां आना चाहिए कमीशन के नाम से। तो हम क्या करेंगे, पहले 11,000 रुपये यहां लिखेंगे जरूर, और हम जो प्रॉफिट निकल रहा है उसे कहीं बाहर लिख लेंगे, जो कि आपने बताया 10,000। अब इस पे हम कमीशन लगाएंगे, अगर कमीशन बोला गया 10%, तो आप कितना लगाओगे, 10/100, और जो रिजल्ट आया 1,000, आप क्या करोगे, यहां कमीशन 1,000 दिखाओगे, और अब दिखाओगे नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितना आएगा, समझ में आए कमीशन कैसे निकालेंगे हम, यानी पहले सारी इंफॉर्मेशन पुट कर देंगे कमीशन वाले पॉइंट को छोड़ के, और जो प्रॉफिट आएगा उसे बाहर लिखेंगे, फिर उस पे परसेंटेज अप्लाई करके उस कमीशन को यहां लिखेंगे, और फिर हमारा आएगा नेट प्रॉफिट। तो ये तो बिल्कुल सिंपल निकाल लिया, 10/100 करके जो प्रॉफिट निकला था उसी पे निकाल लिया। तो इसको बोलते हैं बिफोर चार्ज। एडजस्टमेंट होगा तो दो एंट्री तो करना ही है ना आपने, दो एंट्री की अगर मैं बात करूं तो एक तो P&L के कहां चले गया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, किस नाम से, कमीशन के नाम से। दूसरी एंट्री की मैं बात करूं तो कहां जाएगा बताओ, बैलेंस शीट में चले जाएगा, क्योंकि हम ये मानते हैं अभी हमने इसको पेमेंट किया नहीं है, सिर्फ दिया है, सिर्फ हमने दिखा दिया है, अभी पेमेंट नहीं किया, तो बैलेंस शीट के कहां जाना चाहिए, लाइबिलिटी साइड, ठीक है ना। पेमेंट नहीं किया तो किस नाम से, आउटस्टैंडिंग कमीशन के नाम से, जो भी हमारा नाम है, क्लियर। तो ये कौन सा एग्जाम्पल था, बिफोर चार्ज का। मैं आफ्टर चार्ज का भी इसी में ही करूंगा, बस थोड़ा सा क्या चेंज है वो देखोगे। आफ्टर चार्ज अगर कमीशन हुआ तो इसके भी एडजस्टमेंट दो ही होना है, एडजस्टमेंट तो वही दो होना है, एक चला जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। लेकिन फर्क ये है कि आपको कैलकुलेशन दोनों का अलग होगा, जाना एंट्री दोनों सेम ही है लेकिन कैलकुलेशन अलग होगा। अब देखो आफ्टर चार्ज का एग्जाम्पल लेता हूं, मान लेते हैं कि सैलरी मेरा यहां पे है 12,000, और सॉरी सॉरी GP, ठीक है हटा दिया, चलो अब बताओ प्रॉफिट कितना आ रहा है, 12,000 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 कैसे बचेगा, 11,000, कितना आ रहा है।
अगेन हम नेट प्रॉफिट बाहर लिखेंगे, अमाउंट आएगा, समझ में आ रहा है, 11,000 मैंने अगेन लिख लिया। अब जो प्रॉफिट आफ्टर चार्ज है तो इस पे हम अप्लाई करें, अगर 10% तो 10/110, ठीक है ना, यानी रेट 100 प्लस में रेट, समझ में आया, तो 100 तो है ही है और प्लस रेट 10% है तो 10, अगर 5% होता तो डिवाइड किससे करते, 105, 3% होता तो 103। यहां पे फॉर्मूला देखो, रेट डिवाइडेड बाय 100 था बस, लेकिन यहां पे क्या कहता है, रेट डिवाइडेड बाय 100 तो रहेगा और प्लस में रेट भी करोगे। यहां पे आप इसको काटेंगे पीटेंगे तो क्या आंसर निकल के आया, ये प्रॉफिट तो हमें 11,000 लिखना था, तो 10 से 10 कैंसिल, 11 से 11 तो 1,000 प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। क्या प्रॉफिट देखो, पहले वाले में भी कितना आया था 1,000, इस वाले में 1,000, लेकिन मैंने क्या करा यहां पे चेंज किया, तो यहां पे कमीशन दिखाएंगे क्या, और फिर नेट प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट क्या आएगा, 10,000 आएगा ना, समझ में आया, आफ्टर और बिफोर में। तो क्वेश्चन में बोलेगा आपको आफ्टर चार्ज और बिफोर चार्ज, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आफ्टर बिफोर नहीं बोलता, तो हमेशा आप बिफोर मान के करके दिखा देना और नीचे नोट डाल देना, वी अज्यूम दैट कमीशन चार्ज बिफोर प्रॉफिट, ठीक है ना। अब एक नोट अगर मैं इसमें लिखवाऊं सेक्शन, तो इन केस ऑफ लॉस क्या कमीशन दिया जाएगा, तो अगर मैं यहां नोट सेक्शन लिखूं तो नोट में बताओ क्या लिखूंगा, इन केस ऑफ लॉस देन कमीशन, कमीशन विल बी नॉट चार्ज, समझ में आया। लॉजिक भी पता है क्यों नहीं देंगे भाई, क्योंकि मैनेजर को मिलेगा ही नहीं, उसको तो हमने क्या बोल के भेजा था भाई, प्रॉफिट कमाओगे तो ही कमीशन मिलेगा। तो ये हमारा था एडजस्टमेंट नंबर 15, मैनेजर कमीशन के नाम से दो कॉन्सेप्ट हो सकता है, हो सकता है बिफोर चार्ज और एक हो सकता है आफ्टर चार्ज, ठीक है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा। तो ये एडजस्टमेंट कब करना है हमें, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पूरा प्रॉफिट निकालेंगे तभी तो कर सकते हैं। तो यानी ये एडजस्टमेंट चाहते हो कि आप नंबर 2 पे कर दो, 3 पे तो नहीं होगा, सारा एडजस्टमेंट डन करना है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड डेप्रिसिएशन सारा कुछ करने के बाद, उसके बाद आपको प्रॉफिट बाहर लिखना है, फिर उसके बाद दिमाग लगाना है कि भाई कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हमें डिवाइडेड बाय 100 प्लस में रेट करना है या 100 से ही काम चल जाएगा, वो चेक करना काम आपका है बिफोर और आफ्टर का, उसके बाद निकाल के फिर यहां लिखेंगे और दूसरी एंट्री कहां दिखा देंगे इसकी, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। लेकिन मान लो ट्रायल बैलेंस में मैनेजर कमीशन हुआ तो सिर्फ P&L के डेबिट में जाएगा, ठीक है ना। चलिए नोट करिए इसको। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 16, हिडन एडजस्टमेंट मैंने नाम दिया है। हिडन एडजस्टमेंट मैं उसी एडजस्टमेंट को नाम देता हूं जो ट्रायल बैलेंस के बाहर ना गिवन हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही कुछ ऐसे पॉइंट्स या ऐसा कुछ आपको हिंट दे दे कि आपको पता चल जाना चाहिए कि एडजस्टमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप मान लो मैंने एक ट्रायल बैलेंस बनाया, और ट्रायल बैलेंस जो होता है हमेशा, ये ट्रायल बैलेंस मैंने बनाया, सपोज करो मैंने यहां लिखा कैपिटल, और कैपिटल डेबिट है और क्रेडिट, कैपिटल लिखा मैंने 2 लाख, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैंने लिखा सैलरी, और सैलरी मेरा खर्चा है मैंने लिखा 22,000, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में मैंने यहां पे लिख दिया 11 मंथ, यही एडजस्टमेंट है। ट्रायल बैलेंस के बाहर तो कुछ मैं बातें नहीं बता रहा आपको, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही ब्रैकेट में 11 मंथ, या मैं ऐसा हो भी सकता है कि मैं बाहर भी बता दूं कि सैलरी पेड फॉर 11 मंथ, ऐसे भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है, दोनों में कहीं भी हो सकता है। तो 11 मंथ का मतलब सैलरी 22,000 11 महीने का ही है। आपको हमेशा याद रखना है जो आप प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हो ये हमेशा बनेगा 12 मंथ का, 1 साल का, हम अकाउंटिंग करते हैं नॉर्मली 1 साल का। तो अगर मैं ट्रायल बैलेंस से उठा के P&L में लिखूं मैं सैलरी, तब तो मैं 22,000 ही लिख पाऊंगा, है कि नहीं,
लेकिन क्वेश्चन बोलता है भाई ये तो 11 महीने का है, तो मुझे यहाँ पे सैलरी मैंने पेमेंट किया हो चाहे ना किया हो पूरे 12 महीने का करना है, तो कितने महीने का बाकी रह गया? 1 मंथ का, ठीक है ना? कितने महीने का बाकी रह गया? तो पूरे एक साल में कितने महीने? 12 महीने, 11 महीने का दे रखा है तो 1 महीने का, तो 1 महीने का सैलरी कैसे निकाला जाएगा? ये जो 22,000 है डिवाइडेड बाई 11, तो ये आ गया 1 महीने का 2,000। तो अब हमें क्या करना है, इस सैलरी के अंदर ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, और डबल एंट्री तो पता ही, आउटस्टैंडिंग का कहां करते हैं? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में करते हैं। यानी आपको एक साल का कैसे भी कैसे करके बताना है। सेम देखो दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता यहां पे कि सैलरी आपका 22,000 है और ये 10 महीने का है, अगर मैं ऐसे बोलता तो बताओ क्या करते आप? तो यहां 10 से डिवाइड कर देते, बड़ा ही सिंपल, और आता हमारा रिजल्ट 2,200। अब ऐड कितना कर देते हैं इसमें? 2 महीने का ऐड करते, क्योंकि 10 महीने का दे रखा है तो 2 महीने का बकाया है ना, समझो आप, 2 महीने का बाकी है, तो 2 महीने का बाकी है तो 2,200 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4,400 रुपये अब ऐड होगा। समझ पा रहे हो इस बात को? 4,400 रुपये यहां पे ऐड कर देंगे हम, देन 4,400। चलो मैं 10 महीने की जगह पे मैं यहां पे अगर लिख दूं 6 महीने, तो 6 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल ठीक, जो भी आंसर आ जाता है उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 6 से कर देंगे। पहले जो भी हम रिजल्ट निकालेंगे यहां पे कुछ ना कुछ डिजिट आएगा हमारा। अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं मैं, तो पता है मेरा रिजल्ट कितना आएगा? 22,000 डिवाइडेड बाय 6। तो रिजल्ट कुछ पॉइंट्स में आया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 36,666, ये क्या रिजल्ट आया मेरे पास? 1 मंथ का सैलरी। तो 1 महीने का यहाँ पे जोड़े या 6 महीने का जोड़े? 6 महीने, क्योंकि बाकी जितना है वही पार्ट तो जोड़ेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, अगेन 22,000, और वो जुड़ जाएगा। समझ में आया? एडजस्टमेंट क्या होगा आपको, हिडन एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा, और 11 मंथ या 12, अगर आपको 10 मंथ, 6 मंथ, 9th मंथ कुछ भी बोलेगा, पहले डिजिट को उसी मंथ से डिवाइड करोगे, 1 महीने का आ जाएगा, 12 में से फिर कंपेयर करके आप उसको आउटस्टैंडिंग दिखा दोगे। तो देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इसलिए होना तो दो ही जगह है, एक होना है हमारा एड इन एक्सपेंस, एक होगा हमारा एड इन एक्सपेंस। पता है एड इन एक्सपेंस क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि कहीं भी जा सकता है ये, ट्रेडिंग का भी पार्ट हो सकता है और पीएनएल का भी, ठीक है ना? अगर वेजेस हुआ तो कहां पहुंच जाएगा, और सैलरी हुआ तो पीएनएल में। अगर मैं लिख दूं पीएनएल तो फिर तो गलत हो जाएगा वो एडजस्टमेंट। दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, ठीक है, और आपको एडजस्टमेंट कैसे गिवन होगा ये एग्जाम्पल भी आप इसी के नीचे नोट कर लेना। मैं 11 महीने वाला लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपके बुक में ना 11 महीने का है भी शायद, एक क्वेश्चन 11 महीने का, ठीक है? और क्या पता ऐसे गिवन हो, या तो ये हो सकता है ऐसे या ऐसे, और लिख देता हूं, ठीक है? तो पीएनएल जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 22,000 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 2,000। अब कितने महीने का बाकी है? 1 महीने का, और निकला 1 महीने का तो प्लस 2,000, यानी टोटल पीएनएल के अंदर दिखाएंगे 24,000 रुपए। अब बताना बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में कितना दिखाएंगे? 2,000 रुपए। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में कितना दिखाएंगे? तो ये था एडजस्टमेंट नंबर 16, जब ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ एक्सपेंस के ब्रैकेट में टाइम फैक्टर गिवन हो, तब इस तरीके से करेंगे। अब नोट करिए ये, इसके बाद 17 देखते हैं। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट, ये भी प्रीपेड है। प्रीपेड पे भी पहले मैंने जब एडजस्टमेंट नंबर 1 या 2 करा था तो स्टार बनाया था कि प्रीपेड का एक और पार्ट हम आगे करेंगे, जो कि आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस, वैसे तो नॉर्मली आपको पता है कि प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ जाना चाहिए, एक माइनस हो जाना चाहिए एक्सपेंस में से, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये हमें नॉर्मली पता है, लेकिन वो हमें अलग से गिवन होता था, यहां पे आपको गिवन नहीं होगा। तो क्वेश्चन कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल देखो, दो एग्जाम्पल लूंगा, दोनों को समझना होगा आपको। मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, और ये किसी भी एक्सपेंस पे हो सकता है, लेकिन मैं इंश्योरेंस पे लेके करके दिखाऊंगा,
ट्रायल बैलेंस ये डेबिट है, ये क्रेडिट, और ये मेरा ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस यहां पे कैपिटल वगैरह सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन मैं तो एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा बस 2 लाख रुपए। मैंने लिखा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस लिखा मैंने, मैंने लिखा 12,000, ठीक है। इसके ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, और ये ट्रायल बैलेंस पता है कब का है हमारा, 31-19 तक का, ठीक है ना। यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा वो किस डेट तक का बनेगा, 31 मार्च 2000, और बैलेंस शीट भी 31 मार्च 2019 तक का ही बनने वाला है। मैंने लिखा पेड अप टू 30/6/2019, ठीक है। इसके साथ पेड अप टू 30/6/2019, ठीक है। अब ध्यान से समझना, और मैं अभी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, आप मुझे बताना कि क्या क्या कंफ्यूजन है। जब आप कंफ्यूजन बताओगे तो सॉल्यूशन ज्यादा आपको याद रहेगा, क्या रहेगा। मैंने एक डेट ड्रॉ किया है, हाँ, ये डेट है 1/4/2018, और ईयर एंड हो गया, ये पूरा 1 साल है। इसके बाद 1 अप्रैल 2019, ये साल से नहीं माना जाएगा, वो कौन से साल में काउंट होगा, नेक्स्ट साल। कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेड किया है वो 30/6/2019 तक का, यानी मान लो 30/6 ये डेट आ गया। मेरा कंफ्यूजन यहां पे क्या है कि भाई चलो हमें ये तो पता चल गया कि जो यहां से लेके यहां तक है वो एक्स्ट्रा है, एडवांस है। एडवांस अगर मैं बोलूं तो आप निकाल लोगे अप्रैल, 3 महीने का एडवांस है। मुझे ये बस जानना है कि जो 12,000 है वो यहां से लेके यहां तक का पेमेंट है, यानी 15 महीने का पेमेंट है, या फिर वो 12,000 12 महीने का ही है, आपको ये मुझे बताना है। अगर लगता है कि सर इसके अंदर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, देन आप बोल सकते हो सर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। अगर लगता है आपको सर ये तो 15 महीने का ही है, तो आप बता सकते हो 15 महीने का। अगर लगता है कि सर 12 महीने का है, तो 12 महीने का। अब मुझे जवाब दो, कितने बच्चे कहते हैं 15 महीने का, और कितने स्टूडेंट कहते हैं 12 मंथ? कितने बच्चे बोलते हैं इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट? आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर बताओ क्या लगता है, क्या 12 मंथ? तो देखो, आपको मैंने पूछा ही है, यहां पे कोई फांसी की सजा नहीं दी जा रही। आपको सही या गलत दो ही चीजें करोगे। आप तो ऐसे डर जाते हो जैसे कि पता नहीं आप गलत बता देंगे तो पैसे कट जाएंगे, वो नहीं है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे मैं बोलूंगा अगर ये 12 महीने का है तो इसको यहां पे एनुअल वर्ड लगाना चाहिए था, एनुअल पेड, ठीक है, तो हम मानते 12 महीने का। अब कुछ भी नहीं जब दिया था तो जो स्टूडेंट कहता है 15 महीने का वो भी सही है, जो कहता है 12 महीने का वो भी सही है, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता। पता है 15 महीने का कब होता, जब क्वेश्चन क्या कहता, क्वेश्चन का कहने का थोड़ा सा अंदाज अलग होता, इंश्योरेंस पेड फ्रॉम 1/4/2019 टू 30/18 से। जब आपको पर्टिकुलर ब्रैकेट दे देता है कि सर जो ये इंश्योरेंस है वो यहां से लेके यहां तक का डेट का है, तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मैंने बता दिया भाई इस दिन से, तो गिन लो मंथ फिंगर पे, 15 महीने होंगे। लेकिन जब मैं ये वाले चीजें नहीं लिखा था, पहले पेड अप टू बोल रहा था, तो समस्या है। तो वैसे सिचुएशन में आप हमेशा 12 महीने का अजम्पशन लेना, वैसे 15 भी हो सकता है 12 भी हो सकता है, लेकिन आपको मानना कितने महीने का है, 12 मंथ का। नहीं तो अगर मैं ऐसे बोल दूं तो समस्या ही खत्म है। अगर मैं बोल दूं ऐसे एनुअल पेड
पेड अप टू, अगर मैं इस तरीके से बोल दूं एनुअल पेड, तो एनुअल का मतलब साल का ही है। इस सिचुएशन में हो सकता है इंश्योरेंस ही इस दिन कराया है और यहां से 12 महीने तक का दिया है मैंने, तो क्वेश्चन रेज होता है सर ये 3 महीने का जो एडवांस है, अभी तो 12 महीने का है, तो 3 महीने का क्या होगा प्रीपेड। कैसे निकाले प्रीपेड, 12,000 कितने महीने का है, 12 महीने का, समझ में आ रहा है 15 और 12 का क्या है। अगर आप बोलते ना 15 महीने का तो मैं डिवाइड किससे करता, 15 से। 12 महीने का आपने, आप काउंट करो कितने महीने का प्रीपेड, 3 का, तो ये 3,000 आ गया। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो इंश्योरेंस देखते ही आप इंश्योरेंस यहां लिखोगे और इंश्योरेंस लिखोगे 12,000, इसमें से लेस कर दोगे प्रीपेड, और प्रीपेड कितना माइनस करने वाले हो, और इस 3,000 की डबल एंट्री बैलेंस शीट के एसेट्स है, समझ में आया। लेकिन अगर मैं यहां पे प्रॉपर 1/4 अगर मैं लिखता यहां पे इस तरीके से 1/4 2018 से 31/6/2019 अगर ऐसे प्रॉपर मैं लिखता तब कितने महीने का मानते। अब प्रीपेड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे 15 महीने के केस में, 12,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू में 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 800 आएगा ये, तो 2400। अब यहां लेस करेंगे कितना 2400, और दूसरा 2400 कहां चले जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में किस नाम से दिखा देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, ठीक है। तो ये क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर सारी बातें कही जा रही है इसलिए मैं इसको क्या नाम दे रहा हूं, हिडन एडजस्टमेंट। लेकिन अगर आपको बोलता सिर्फ अप टू पेड 30 जून, अप टू पेड 30 जून मतलब के पेड अप, पेड अप मैंने कर दिया, अप टू पेड करना है एनुअल अप टू पेड इतने, अगर मैं सिर्फ अप टू पेड करता तो ऐसे सिचुएशन में आप अजम्पशन क्या लोगे, कितने महीने का, 12 महीने का आपको अजम्पशन लेना है और 12 से डिवाइड करके पूरे का पूरा कैलकुलेशन करना है, समझ में आया क्या आपको, ठीक है। तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो डिवाइड हो सकता है हमारा 15 महीने से या हो सकता है 12 महीने से। अगर मैं बोलता 31 जुलाई तो 16 महीने से भी हो सकता था और 12 ही रहेगा दूसरे वाला तो, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकाल लेना है प्रीपेड। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके बुक में है, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं 18 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर की बात करें, सबसे पहले जनरल रिजर्व होता क्या है, जनरल रिजर्व होता है जब कभी भी हम प्रॉफिट कमाते हैं, मान लो हमने प्रॉफिट कमाया 50,000 और हमें फ्यूचर में लगता है कि कुछ पैसों की इकट्ठे जरूरत पड़ सकती है, तो मैं एक काम करता हूं, ये 50,000 अपने प्रॉफिट ना मान के इसको दो पार्ट में बांट देता हूं, एक पार्ट में फ्यूचर के लिए उस काम के लिए बचा लूंगा और उसका एक सर्टेन परसेंटेज बचा लूंगा मैं। मैंने सपोज करो मैंने सोचा 10% बचा लेना चाहिए, तो 10% तो मैं बचा लूंगा, 10% बचाऊंगा यानी 5,000 रुपए तो बचा लिए, और 45,000 रुपए हम क्या करेंगे इसको कहां रखेंगे, नेट प्रॉफिट में, और ये 10% चले जाएगा रिजर्व में, मैं जिसे जीआर लिख रहा हूं, जनरल रिजर्व भी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब बताओ बिजनेस के अंदर बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होता है, इसमें दो राय तो है नहीं। ये जो 5,000 मैंने बचाया है रिजर्व, ये मैं घर पे नहीं रखूंगा, बिजनेस के अंदर ही छोड़ दूंगा। तो ये 5,000 पे अधिकार पता है किसका है, ऑनर का। पूरे प्रॉफिट पे अधिकार किसका है, ऑनर का है। अब ये ऑनर क्या करता है, ये 5,000 रुपए छोड़ देता है, तो बिजनेस के अंदर बैलेंस शीट में कहां रखेगा, ये बैलेंस शीट क्या बोलेगा, भाई मेरे ऊपर कर्जा आ गया, तो ये कहां रखेगा, क्योंकि ऑनर अलग है बिजनेस अलग है। अगर ऑनर कुछ पार्ट बिजनेस में छोड़ देता है तो बिजनेस बोलेगा अब उसे रिटर्न करने पड़ेंगे हमें, तो बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा, वो लाइबिलिटी माना जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एक इस तरीके का भी एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा, ये हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। इसकी दो जगह ट्रीटमेंट करेंगे, कहां कहां करेंगे, एक तो कर देंगे लेस फ्रॉम प्रॉफिट,
लेस फ्रॉम प्रॉफिट, और ये लेस फ्रॉम प्रॉफिट करेंगे तो कौन से प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं? ये नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस वाले की। दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में ले जाएंगे। बैलेंस शीट के किस साइड में? लाइबिलिटी साइड में। किसी को कोई डाउट? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ले जाएंगे इसको, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, जैसे आपने ये पी एंड एल बनाया और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। बाय साइड में आपने लिखा बाय जीपी, और जीपी सपोज करो आपका है 10,000। सैलरी है वो टू साइड में लिखोगे, सैलरी है 1,000। डिस्काउंट कहां लिखोगे अलाउड? टू साइड। यानी सारे खर्चे दिखा दो, मान लेते हैं 500। कमीशन मैनेजर का कहां लिखोगे? टू साइड। मैनेजर कमीशन 500। नाउ फाइनली हमारा प्रॉफिट अगर कैलकुलेट किया जाए तो प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? अब यहां नहीं लिखना, आठ हजार, कोई दिक्कत। अब इस 8,000 का मैंने बोला भाई जनरल मैनेजर के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो 10%। मैंने एग्जांपल लिया, कितना होगा 8,000 का? टू जनरल रिजर्व। अब लिखेंगे नेट प्रॉफिट 8,000 में से। नेट प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल में ऐड, और जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, ठीक है। ये था एडजस्टमेंट 18, इसको नोट करिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर के अंदर जनरल एंट्री में भी हमने देखा और यहां पे भी एडजस्टमेंट है। यहां पे लॉस बाय फायर जो होता है हमारा, वो सिर्फ गुड्स की बात करेंगे हम। तो जब कभी भी हमारा लॉस बाय फायर गुड्स होगा तो ऑलवेज परचेज कम हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमारे जब गुड्स डिस्ट्रॉयड होगा तो कई बार कुछ बिजनेसमैन उसका इंश्योरेंस करवाते हैं और कुछ बिजनेसमैन उसका इंश्योरेंस नहीं कराते। अगर वो इंश्योरेंस नहीं कराते तो कोई पैसा कहीं से मिलने का कोई चांस नहीं है, सारा नुकसान है। लेकिन जब बिजनेसमैन इंश्योरेंस करवा लेता है तो वहां पे दो कंडीशन आ जाता है, या तो पूरा क्लेम मिलेगा या तो कुछ क्लेम मिलेगा, ठीक है ना। और क्लेम मिलता हमें हैंड टू हैंड नहीं है, उसको मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सबसे पहले देखें आप, व्हेन गुड्स नॉट इंश्योर, जब गुड्स इंश्योरेंस ही नहीं था तो हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ 10,000 का, तो लॉस भी कितने का होगा मेरा? इस सिचुएशन के अंदर लॉस भी माना जाएगा मेरा पूरे 10,000 रुपए का, जो लॉस है वो है 10,000 का। अब दो जगह एंट्री जाएगी इसकी, दो जगह एंट्री कहां कहां? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में। अब इसे माइनस कर देंगे लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम परचेज, ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना। बुक में कई बार स्टॉक में से भी माइनस करते हैं, उसका ध्यान नहीं देना, आपने माइनस करना है परचेज से। दूसरी एंट्री क्योंकि लॉस हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन गुड्स आर इंश्योर्ड बट पार्टली क्लेम रिसीव, मतलब सारा पैसा नहीं मिला, कुछ पार्ट मिला। तो भाई गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ 1,000 रुपए का, क्लेम 800 रुपए का, लॉस 200 रुपए का। अब इसकी एंट्री तीन जगह ले जाएंगे। तीन जगह कहां कहां लेके जाएंगे? एक तो लेके जाएंगे हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा? लेस फ्रॉम एक हजार, पूरे 1,000, मैं अमाउंट भी लिख देता हूं चलो ताकि अच्छा ठीक रहे आपके लिए, 1,000। और इधर लिख देते हैं नीचे कितना माइनस होगा, 1,000। इस वाले में कितना जाएगा? और 1,000, ठीक है ना, याद रहेगा आपको।
सेकेंड एंट्री हमारा नुकसान है, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड। और प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा ओनली 200। और कुछ क्लेम हमें इन फ्यूचर मिल जाएगा तो एसेट है, तो बैलेंस शीट में ले जाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे किस नाम से, इंश्योरेंस क्लेम, और यहां आएगा 800। समझ में आ रहा है? अमाउंट से आपको और क्लियरिटी हो जाएगा, जब कभी भी आप रिवीजन के लिए बैठोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो अभी समझ में आया तो अभी तो आप साथ के साथ नोट कर ही सकते हो, ठीक है। अगर हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट देखो, व्हेन गुड्स आर इंश्योर्ड एंड फुल क्लेम रिसीव, तो नुकसान हुआ 1000 का तो क्लेम कितने का, 1000 रुपए का, ठीक है ना। अब कितनी जगह एंट्री जाएगी, एक तो परचेज में से माइनस होगा ही होगा, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो दो जगह एंट्री की बात कर रहे थे हम, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, लेस फ्रॉम परचेज, परचेज में से लेस हो गया, कितना अमाउंट होगा, सर ये 1000 रुपए। इंश्योरेंस मिले चाहे ना मिले, गुड्स तो डिस्ट्रॉयड होगा ही होगा हमारा। इसके बाद दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में ले जाएंगे सीधा, बैलेंस शीट के कहां ले जाएंगे हम, एसेट में, और सर एसेट्स में कितना, 1000, एसेट्स में ले जाएंगे 1000। क्या समझ में आया ये पॉइंट? मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखो 90% बच्चे जवाब गलत देंगे क्वेश्चन, मैंने पहले बोला गलत देंगे तो सोच समझ के आंसर देना। हमारा परचेज है डेबिट में 10000 रुपए का, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस है 2019, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा गुड्स डिस्ट्रॉयड ऑन रुपीज 10,000, 1,000 एंड इंश्योरेंस क्लेम 800। अब बताओ कैसे करेंगे, ट्रायल बैलेंस दे दिया मैंने, नीचे लिखा गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया हमारा 1000 रुपए का, और 800 का क्लेम मिल गया। सबसे पहले कौन सा केस है, एंट्री कहां कहां जाएगा बताओ, क्या करेंगे ट्रीटमेंट बताओ, अब इसका आंसर है ये एडजस्टमेंट होगा ही नहीं। ये एग्जामिनर कई बार बच्चों के साथ ऐसा कर चुका है, बाकी आपने जो सोचा ना कि एडजस्टमेंट तीन जगह जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है, गलती नहीं है, इसके अंदर डेट एग्जामिनर ने अलग डाल दिया, और वो डेट कब का है, नेक्स्ट ईयर का है, और बनाना कौन से साल का है, इस साल। तो ये एडजस्टमेंट अगर इस साल होता, मान लो 31/3 को होता, तब तो ये लगा देते, क्योंकि ये एडजस्टमेंट पहुंच गया नेक्स्ट ईयर, तो इसकी एंट्री एग्जाम में, ध्यान देना है आपको, ये एग्जामिनर हमेशा डेट में हेर फेर करेगा और बच्चा वहां गलत कर देता है एडजस्टमेंट को करके, तो आप ये मत सोचना कि मार्क्स मिलेगा, मार्क्स जीरो ही मिलेंगे आपको फिर। तो अब नोट करिए आप एडजस्टमेंट नंबर कौन सा डाले इसको, 19, और एक आध एडजस्टमेंट है देखते हैं अभी।